जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत गरम नाला जहां पुलिस की चौकसी होती है, वहां से कुछ दूरी पर पार्क के किनारे झाड़ी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गरम नाला के पास पार्क के किनारे झाड़ी में एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस बच्चे को अपने कब्जे में लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंची। उधर बच्चा जिंदा अवस्था में सड़क किनारे मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वैसे बच्चा किसका है, कहां से आया, कोई जानकारी नहीं है। ऐसे तो कई लोग होते हैं जो निसंतान होते हैं और बच्चे के लिए तरसते हैं, लेकिन बच्चा नसीब नहीं होता। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जन्म के बाद नवजात को नालियों में कूड़ेदानों में फेंक देते हैं। ऐसा ही एक और वाकया रात के अंधेरे में शुक्रवार को एक मां ने कर दिखाया। जमशेदपुर के साक्षी गरम नाला के पास जहां पुलिस की चौकसी होती है, वहां से कुछ दूरी पर स्थित पार्क के किनारे झाड़ी से अचानक से लोगों को बच्चे की किलकारी सुनाई देने लगी। बच्चे के रोने की आवाज और उसकी किलकारियां सुनकर लोग उस ओर दौड़ पड़े और बच्चा कहां है यह देखने लगे कि अचानक से एक राहगीर को उस बच्चे पर नजर पड़ी और उसने बच्चे को संभाल लिया। बस इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया कि इनकी व्यवस्था किया जाए। बच्चे अभी तक तो सूचना नहीं दिया, पहले तो इनके ट्रीटमेंट होना चाहिए था। उसके बाद ही ये तो आपका हॉस्पिटल का बगल में साक्षी एरिया है। वह बच्चा जिंदा था और सुरक्षित भी था, क्योंकि उसकी मां ने उसे उसी वक्त फेंक दिया था और भाग गई थी, जिसको दौड़कर भागते हुए किसी गाड़ी से जाते हुए भी लोगों ने देखा। लेकिन वह सबकी नजरों से ओझल हो गई और वह वहां से भाग निकली। लेकिन बच्चा बेचारा अपनी मां के लिए तड़पता रहा, बिलखता रहा, रोता रहा, लेकिन उस मां को तरस नहीं आई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसको पहले अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे को स्वस्थ पाया गया। बच्चा लड़का है और अब तक सुरक्षित है। बच्चा किसके पास रहेगा, कैसे रहेगा और उसके माँ बाप कौन है, इसकी तलाश और योजना पुलिस कर रही है। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ था, एक सज्जन ने उनको बताया, अभी थाने से थाना प्रभारी के माध्यम से हमें सूचना मिली, अभी उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और आगे की जानकारी आपको वहाँ पे दी जाएगी।